नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद घंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। दोस्तों, आज का वीडियो भी कैंसर से रिलेटेड ही है। जब से मैंने अपने कैंसर की स्टोरी बताई है, मेरे कैंसर से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल किया है और बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल थे वो बहुत सारे पूछे हैं। और उनमें से एक जो कॉमन सवाल था और जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो है केमोथेरेपी के लिए डाइट। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। और अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे जो चार वीडियोस ऑलरेडी कैंसर से रिलेटेड मैंने बना दिए हैं उनको भी जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमोथेरेपी की डाइट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, मैं क्या डाइट में लेता था। और मैं आपको एक बात पहले से ही बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि केमोथेरेपी मुझे भी हुई है, इस ट्रीटमेंट से मैं भी गुजरा हूँ। तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके ही अपनी डाइट ले। फिर भी जो डाइट मैंने फॉलो की अपने ट्रीटमेंट में, मैं आपके साथ में वो शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो केमोथेरेपी की जो दवा होती है वो एक तरह से गर्म दवा होती है, और जब भी ये आपके बॉडी में जाएगी वो काफ़ी गर्मी पैदा करेगी। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो भी खाना खाए वो ठंडे तासीर का हो, ताकि ये आपकी केमोथेरेपी की गर्मी थोड़ी बहुत कम हो सके। तो आप मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी पीने की आदत रखते हो तो दोस्तों, हो सके तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि चाय कॉफ़ी जितना मुझे पता है कि कोई भी एंगल से बॉडी में कभी कुछ फ़ायदा तो करती नहीं है, फिर भी लोग पीते हो अलग बात है। और आप चाय कॉफ़ी गर्मी भी बहुत पैदा करती है, तो वो चीज़ें केमोथेरेपी में और गर्मी बढ़ा देगी। तो आप कोशिश करें कि चाय कॉफ़ी ना ही पे। अगर टोस्ट, बटर, खारी वगैरह ये सब भी आप लेते हो तो इसे भी काफ़ी अवॉइड करें, क्योंकि ये मैदे की बनी हुई चीज़ें होती है और बाहर से आई हुई चीज़ें होती है। जैसे ही आपके पेट में जाएगी, जितना मुझे लगता है कि ये लूज़ मोशन जैसी चीज़ आपकी कर सकती है, तो टोस्ट, बटर, खारी वगैरह ये सब चीज़ ना ही खाए तो बेटर होगा। दोस्तों, आप अनार ले सकते हो, सुबह सुबह एप्पल ले सकते हो, आप मूंग को भिगो के रात को रख सकते हो और सुबह खा सकते हो, और मक्का जो होता है उसको बॉईल करके आप वो सुबह सुबह खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं करता था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सवाल लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या हम दूध से बनी चीज़ें केमोथेरेपी में ले सकते हैं, क्या कैंसर के ट्रीटमेंट में दूध सही है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आपके डॉक्टर ने जब तक कुछ भी आपको मना नहीं किया है तो आप कुछ भी ले सकते हो। बस ध्यान रखें कि आप साफ़ सुथरा खाना खाए, हाइजीन खाना खाए, और जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर के साथ में ही डिस्कस करें, आप लोगों की बात में यकीन ना करें। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मेरे डॉक्टर ने कभी भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया था। वो वही बोलते थे कि अगर जब तक आप सब कुछ खा सकते हो तो अच्छी बात है और हेल्दी खाओ। वो ये भी बोलते थे कि आप नॉनवेज खा सकते हो तो और भी अच्छी बात है, सूप वगैरह पी सकते हो, पर क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो ये चीज़ें तो हमने कभी ली नहीं। तो इसीलिए मैं वेज खाना ही खाता था, साफ़ सुथरा खाना खाता था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं छाछ दूध, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा डाइजेशन उस टाइम इतना स्ट्रांग नहीं था, इसके वजह से मैं दूध तो नहीं ले पाता था। पर दोस्तों, छाछ की क्वांटिटी मैंने इतनी ली थी कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे, मैं हर रोज़ लगभग 2 लीटर छाछ पी जाता था। और सच बोलूँ तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर मैं ज़्यादातर छाछ ही पीता था। जहाँ पर लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, मैं छाछ पीता था। और सच बोलूँ दोस्तों, छाछ ने काफ़ी मदद की मेरी केमोथेरेपी में थोड़ी बहुत गर्मी कम करने के लिए। तो आप भी अगर हो सके तो अपनी डाइट में छाछ इंक्लूड करें, बहुत ही फ़ायदा होगा। और हो सके तो सारी छाछ है ना दोपहर तक ख़त्म कर दे, और हो सके पतली छाछ पिए, एकदम गाढ़ी वाली दही जैसी छाछ पीने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके पतली छाछ पिए, वो काफ़ी बेहतरीन होगी आपके लिए और केमोथेरेपी में काफ़ी अच्छा काम करेगी, केमोथेरेपी की गर्मी कम करने के लिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत केमोथेरेपी में जो आती है वो है कि हम चाहकर भी खा नहीं पाते, क्योंकि हमें दवाइयाँ इतनी गर्म होती है तो उल्टियाँ वगैरह बार बार होती रहती है। तो इसीलिए हम
चाहकर भी नहीं खा पाते। पर मैं आपसे निवेदन करूँगा, जो कैंसर पेशेंट है उनसे निवेदन करूँगा कि आपको थोड़ी बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी फैमिली आपका ट्रीटमेंट करा रही है, वो आपके लिए इतना कुछ कर रही है, तो आपको थोड़ी बहुत हिम्मत रख के जितना हो सके आप खाए। मुझे पता है कि खाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस वक्त, पर आप अगर खाना नहीं खाओगे तो यकीन मानो दोस्तों, आपका ट्रीटमेंट में काफ़ी असर पड़ेगा। और आपका जो सारा ट्रीटमेंट है वो केमोथेरेपी की जो सक्सेस रेट है ना, वो सिर्फ आपके खाने पे डिपेंडेंट है। अगर आप सही टाइम पे नहीं खाओगे ना, तो आपका दोस्तों केमोथेरेपी की जो साइकिल अगली वाली होती है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो साइकिल भी आपके बॉडी की हेल्थ पे डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी सही रहेगी तो ही डॉक्टर आपको सेकेंड केमो के लिए अलाउ करेंगे, नहीं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि आप जितना हो सके खाना खाते रहे, थोड़ा बहुत खाते रहे और बीच बीच में खाते रहे। अगर आपका मुंह स्वाद मतलब नहीं कर रहा है, और तो एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, हल्की सी चीज़ है जो मैं नॉर्मली फॉलो करता था, तो वो है कि मैं मिश्री और सौंफ का मिक्सचर बनाकर मुंह में रखता था ज़्यादातर और चबाता रहता था, तो उससे कुछ हद तक मेरा मुंह थोड़ी देर के तक ठीक रहता था। तो ये चीज़ें भी काफ़ी फ़ायदा करती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर कुछ हद तक आपका मुंह स्वाद आपका ठीक रहेगा। नॉर्मली दोस्तों डॉक्टर टैबलेट्स वगैरह लिख कर देते हैं खाना खाने से पहले, क्योंकि उनको भी पता है कि केमोथेरेपी में खाना खाना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप भी कोशिश करें कि जितना हो सके उतना आप बीच बीच में खाना खाते रहे, क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है उस वक्त। अगर आप नहीं खाओगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। केमोथेरेपी में दोस्तों अनाज खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितना मुझे पता है कि अनाज थोड़ा दिमाग में ज़्यादा चढ़ता है, तो इसीलिए आप सब्जियों पे ज़्यादा जोर रखें। आप सब्जियों फाइबरस जो फूड होते हैं, फाइबरस जो सब्जियाँ होती है वो ज़्यादा खाएं, क्योंकि रोटी वगैरह खाना थोड़ा दिक्कत देता है उस वक्त। तो ये चीज़ मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा रोटी वगैरह नहीं खा पाता था। तो आप सब्जियों का जूस या सब्जियों का सूप वगैरह बना के ले रात में, आप टोमेटो सूप वगैरह ले सकते हैं, टमाटर का सूप वगैरह ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी बॉडी को ध्यान रखते हुए लेनी चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जो लंबा चीज़ चलती है, जो लंबा ट्रीटमेंट चलता है, वो केमोथेरेपी में चलता है। सर्जरी आपको पता है कि एक दिन में वो हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद में उसका दर्द वगैरह भी नॉर्मल होने लगता है, कम होने लगता है। और रेडिएशन भी इतना बड़ा नहीं होता साइकिल, उसका भी लगभग 20-25 दिन का साइकिल होता है। पर केमोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है वो कुछ महीने चलती है लगातार। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैंसर के ट्रीटमेंट वो केमोथेरेपी है, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो खाना खाने की आती है। तो कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ खाते रहे, आपका ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस पर निर्भर है कि आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी आपके लिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आपका फिर से कुछ डाउट वगैरह कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इनकेस आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, और हो सके तो आप मुझे पहले व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि इनकेस में अगर आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आप समझ लेना कि मैं कहीं पे बिज़ी हूँ। तो हो सके तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, ताकि मैं आपको फिर से कॉल बैक कर लूँ। तो लास्ट में आपसे दोस्तों छोटी सी निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल जयचंद राजस्थानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।